फ्रेंड्स हेलो टेंथ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर क्वाइट वेल। बच्चों, हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 8 में हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बनी हुई है, ट्राई यानी मीन्स 3, गोनो मीन्स यानी एंगल, और मेट्री यानी मिति। तो ऐसी मिति जिसके अंदर 3 एंगल होंगे, जैसे हमारे यहाँ मिति क्या होती है, देखो एंगल आप जानते हैं, 3 भी जानते हैं, मेट्री मिति जैसे आप लोग जानते हैं समिति बना देते हैं, तो इस तरीके से 3 एंगल्स की जो मिति है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, आपके 10th क्लास के लेवल पे। तो इन राइट, देखो हमने हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ये राइट एंगल किस पे, बी पे है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती थी हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम को आप लोगों को जरूर 100% इस चैप्टर में याद होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, हम क्या करते थे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर, देखो ये होता था हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर, ये होता था हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये होता था हमारे पास बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो साइड देगा, जैसे सपोज कीजिए 5 है, ये 3 है, कहेगा कि इस 4 साइड निकालो। तो उसका हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के हम बताएंगे कि 3rd साइड उसकी कौन सी है। उसके बाद जो आगे काम है वो बाद में करना, सबसे पहले आप लोगों से क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। तो मैंने हालांकि पाइथागोरस थ्योरम लिखी हुई है, ये यहाँ पे GARoS पाइथागोरस थ्योरम। तो कहने का हमारे पास इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास जो अगर ये हाइपोटेनियस है, देखो मैंने बताया था कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस का हमारे पास AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे AC स्क्वायर, ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। आप लोग पहले जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखना है अपनी कॉपी में। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर मैंने एक एग्जांपल देके बताया किस तरीके से इसका यूज़ करना है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, देन फाइंड बीसी। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि एक तीसरी साइड निकलवाने के लिए कहेगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारे पास, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम उससे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं ए सी कितना हमारे पास, 5 है, ए सी कितना है बच्चों, 5, बी सी ए बी कितना है, 3, और हमें बी सी फाइंड आउट करना है। इस तरीके से देखिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बी सी कितना जाएगा बच्चों, 4। तो इस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से दो साइड अगर गिवन है हमारे पास, तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन हम आगे बताएंगे। फिलहाल आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए, एक दो एग्जांपल आप इस पर और करना, तब आप लोगों को क्लियर हो पाएगी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हालांकि हमने 8th क्लास में पढ़ी हुई, लेकिन डजंट मैटर कि एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। उसके बाद जब आप ये जान जाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसके बाद आप लोगों को साइड की नॉलेज होनी चाहिए। सर साइड की नॉलेज क्या है, साइड तो हम जानते हैं नहीं बेटा, देखो ये ना कुछ जो हमारे पास एंगल के अकॉर्डिंग जो साइड हैं वो चेंज हो जाएंगी। किस तरीके से चेंज होंगी, देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी है हमारे पास, राइट एंगल किस पे, बी पे, तो इस तरीके से फॉर एंगल ए, तो एंगल ए के लिए जब हम वर्क करेंगे तो एंगल ए यहाँ पे है ना, तो एंगल ए किस साइड पे बना हुआ, इस पे। तो ये जो हमारे पास है जिस पे, या कहें कि एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड होगी वो क्या होगी, बेस होती है। और दूसरा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये हाइपोटेनियस होती है, हमेशा से कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, समझ आ गई बात। तो अब एंगल ये तो हो गया बेस, और एंगल के जो सामने की जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, क्या होती है वो, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर ट्रायंगल की बात की जा रही है, एंगल की बात की जा रही है ट्रायंगल एबीसी में, एंगल ए की बात की, तो एंगल ए के लिए बेस कौन हो जाएगा, ए बी, ठीक है, क्योंकि इस पे एडजेसेंट साइड एंगल ए की, जो आप ये कहोगे सर ए सी भी है, लेकिन ए सी हाइपोटेनियस है, तो वो तो बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बेस नहीं हो सकता, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी ट्रायंगल में वो हाइपोटेनियस होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये तो हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है, क्लियर। उसके बाद ये यूँ कहें कि 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, तो वो तो हाइपोटेनियस रहनी है रीजन चेंज में। ये हम लोगों ने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर एंगल ग्रेटर है तो उसके सामने का साइड भी क्या होती है, ग्रेटर होती है। सबसे ग्रेटर क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, ये इतने का है, ये 90 डिग्री, और ये एंगल जो होंगे हमारे पास एक्यूट एंगल ही होंगे, तो इसका मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो कौन होगी, एसी, तो वो तो हाइपोटेनियस हो जाती है लॉन्गेस्ट साइड किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब मैं बात कर रहा था आप लोगों के लिए एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने की साइड, यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हो जाएगी हमारे पास ये वाली साइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने लिखा हुआ है फॉर एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा ए सी। अब फिर देखते हैं फॉर एंगल सी के लिए, फॉर एंगल सी, तो एंगल सी यहाँ पर बना हुआ है बच्चों, देखो कहाँ बना हुआ है एंगल सी, यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ना ये चेंज होते रहेंगे। अब एंगल सी के लिए निकल आएगा
एंगल सी के लिए वर्क करेगा तो फिर हमें बेस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो अब एडजेसेंट साइड कौन सी, एंगल सी के लिए एडजेसेंट साइड ये है ना बच्चों, तो ये जिस पे यानी कहें कि जिस पे एंगल सी बना हुआ है वो कौन सी साइड है, सी देखो ये है हमारे पास वो कौन सी, बी सी। तो एंगल सी के लिए जब बात करेंगे तो जो एंगल सी है हमारे पास वो ये यहाँ पर है, तो बेस हो जाएगा हमारे पास बी सी, कितना जाएगा बी सी, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है तो उसके एंगल के सामने की साइड कौन सी है, ये वाली, ये हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। तो एंगल सी होने पर हमारे पास नहीं दोनों चेंज हो जाएंगे, बेस हो जाएगा बी सी, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा ए सी। नाउ वी स्टडी अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज बच्चों सिक्स होते हैं, कितने होते हैं सिक्स, कौन कौन से होते हैं मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, साइन कोस, एक बार बोलेंगे टेन कोट, दूसरी बार सेक कोसेक, रिपीट, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस एक बार, टेन कोट एक बार, सेक कोसेक एक बार, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब इनके हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को रटने नहीं है, बस एक ट्रिक है उसके ट्रिक से याद रखने हैं। तो क्या है वो फॉर्मूले अभी बताते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सिक्स होते हैं, मैंने बताया आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि हमेशा हमें दो साइड्स की रेशियो बताते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग पी और अपॉन एच, तो पहले फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता दूँ मैं आप लोगों को, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा पी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो पहले वाली है हमारे पास ये साइन का फॉर्मूला होता है, दूसरे वाला कोस का, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा पी अपॉन एच, कोस का हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन एच यानी सेकेंड वाला कॉलम हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन एच, थर्ड हो जाएगा हमारे पास टेन पी अपॉन बी हो जाएगा, और कोट का हो जाएगा बी अपॉन पी, और सेक का हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन बी, और कितना हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन पी। तो इस तरीके से आप लोग पहले वाला साइन, दूसरे वाला कोस, तीसरे वाला टेन टेन, चौथे वाला कोट, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास सेक का, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास कोसेक। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि साइन पी अपॉन एच, कोस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी, उसके बाद सेक का कोट का हो जाएगा बी अपॉन पी, सेक का हो जाएगा एच अपॉन बी, यानी उल्टा कर देंगे, जैसे लिखने शुरू करेंगे इधर से यूँ, ठीक है ना, तो कितना जाएगा हमारे पास एच अपॉन पी। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्यों कहते हैं, देखिए अगर हमारे पास एंगल थीटा ए बी सी, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये क्या है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, ये बी पे, तो ये क्यों हो जाएगा थीटा। अब देखिए जब मैं साइन थीटा बताता हूँ तो पी अपॉन एच, पी कहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर थीटा के लिए, और एच कहाँ है ये, तो इसने क्या बताया, देखो अपॉन का मतलब अगर तुमने देखा हो तो थ्री अपॉन टू कहीं पर लिखा है तो इसका मतलब होता है थ्री रेसो टू, अगर यहाँ पर लिखा है पी अपॉन एच तो इसका मतलब होगा पी रेसो एच, कितना होगा बच्चों पी रेसो एच, ये वाला कितना होगा पी रेसो एच। तो ये क्या करते हैं हमारे पास, हमें किन्हीं दो साइड्स की रेशो बताते हैं, रेशो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज कहे जाते हैं। रेशो का मतलब आप जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, और अगर फ्रैक्शन में लिखे हैं तो उन्हें क्या लिख सकते हैं, रेशो लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर और किसका बताया इसने रेशो, हाइपोटेनियस का, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया। इस तरीके से बी अपॉन एच यानी इसने बेस का और हाइपोटेनियस का रेशो बताया, इसने टेन ने पी यानी परपेंडिकुलर बेस का रेशो बताया, इसलिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज कहते हैं। तो आप लोगों को यहीं तक करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज लर्न करने हैं, ठीक है ना, हालांकि कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और सबके आप लोगों को क्या रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल ये फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं। तो साइन थीटा का पी अपॉन एच, कोस थीटा का बी अपॉन एच, टेन थीटा का पी अपॉन बी, इस तरीके से आप लोगों को लर्न करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, आप लोगों को ये कॉपी में राइट डाउन करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।